अस्सलामु अलैकुम। अवराक टीवी के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होते हैं। आज हम आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मुकाम व मरतबा के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आगाही कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो शुरू करते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मुकाम व मरतबा। आसमान से हसब ज़रूरत मूसलाधार बारिश होगी और ज़मीन अपने तमाम पैदावार को आगाह देगी। एक शख्स खड़ा होकर माल का सवाल करेगा तो मेहदी कहेंगे, अपनी हसब ख्वाहिश खजाना में जाकर खुद ले लो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन व मौकूफन मरवी है के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे अहले बैत से होगा, अल्लाह जल्ला शानहु इसे एक ही रात में साले बना देगा, यानी अपनी तौफीक व हिदायत से एक ही शब में विलायत के इस बुलंद मकाम पर पहुंचा देगा जहां वो पहले नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खत्म ना होगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे अहल बैत में से एक शख्स मुराद मेहदी है भेज देगा, जिसका नाम मेरे नाम के और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी इसका नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। मुसन्निफ इब्न शेख कहते हैं, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा तो अल्लाह ताला इसको तवील और दराज कर देगा और मेरे अहले बैत में से एक शख्स मेहदी को पैदा करेगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो इससे पहले जुल्म से बरी होगी। अल्लाह हमें भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम बातों के नीचे जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब करे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।